एंथेरियम वहां पे भी अपना एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे एंथेरियम के पास 100 एकड़ की टाउनशिप है। तो यहाँ पे आपको कर्मा लेक लैंड मिल जाता है जिसमें 75 एकड़ का गोल्फ कोर्स है। तो यहाँ पे आपके गोदरेज के 3 प्रोजेक्ट आते हैं। पेंट हाउस के साइजेस बहुत बड़े हैं, 5200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 7500 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। 1.25 लाख स्क्वायर फीट का इसमें आपको क्लब हाउस मिलेगा। अब प्राइसिंग की बात करें तो कंपनी का प्राइस है। हेलो एवरीवन, आई एम राज यादव, आपका रियल स्टेट गाइड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज आपके लिए मैं बहुत शानदार प्रॉपर्टी लेके आया हूँ जो कि आपकी अरावली फेसिंग होने वाली है। 60 मीटर रोड के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी है, नियर बाय एसपीआर रोड। साथ में आपका 9 होल का गोल्फ कोर्स मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ एमथियम गोल्फ हिल्स सेक्टर 79 की। आपने सेक्टर 79 के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं से। एमथियम वहां पे भी अपना एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, उसके साथ साथ वहां पे डीएलएफ भी अपना इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। तो इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, ऑलरेडी यहाँ पे एंथेरियम के पास 100 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें 75 एकड़ में आपका एंथेरियम गोल्फ हिल्स आने वाला है, जिसके ऑलरेडी 2 फेसेस आ चुके हैं। थर्ड और फोर्थ फेस दिसंबर के आसपास आएंगे, बाकी बचे हुए एंथेरियम अंतालिया है। तो बात करते हैं जिसके बारे में हम बात करें, एंथेरियम गोल्फ हिल्स के बारे में। 55 एकड़ का ये प्रोजेक्ट रहने वाला है जो कि आपका 2 फेस आ चुके हैं, 2 फेस बाद में आएंगे। इसके पहले इसके और डिटेल में बात करें आपके लिए, मैं इसको लोकेशन बताता हूँ कि कैसे कैसे इसकी लोकेशन है। सपोज करो आप दिल्ली से आ रहे हो, NH8 से आ रहे हो या द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हो, जो आपका मानेसर टोल टैक्स से पहले क्लोवर लीफ बनता है उससे आप अगर दिल्ली से आ रहे हो तो लेफ्ट लोगे, एक्सप्रेसवे से आ रहे हो तो आप सीधा आओगे, एसपीआर रोड पे सीधा चलोगे, पहला ही जो राइट टर्न होगा आप वहां से सीधा आओगे। आप ये लोकेशन आपकी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। एंथेरियम की गैलरी बनी हुई है जस्ट आपके डीएलएफ अर्बाना साउथ के सामने, तो वहीं से सीधी रोड आपकी सेक्टर 79 में आएगी और 79 का पहला सेक्टर ही आपका पड़ता है गोल्फ हिल्स। इसकी बात करूं 55 एकड़ में आपका 3, 4 और 5 BHK आने वाला है, प्लस सामने आपका इसका कमर्शियल रहने वाला है। इसके नियर बाय सराउंडिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको कर्मा लेक लैंड मिल जाता है जिसमें 75 एकड़ का गोल्फ कोर्स है। उसके अलावा यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, गोल्डन ग्लेव ग्रीन गोल्फ एंड रिजोर्ट है, क्लासिक एंड कंट्री क्लब भी यहाँ पे आपको मिलता है, जंगल सफारी भी मिलती है, ITC ग्रैंड भारत है जो कि नियर बाई है। आपने सुना होगा कर्मा लेक लैंड के साथ से एक रोड जाता है नोरंगपुर, गुड़गांव या दिल्ली में सब लोग जानते हैं क्योंकि जितने भी जाएंगे सारे रिजोर्ट हमारे गुड़गांव में दिल्ली NCR में इसी रोड पे पड़ते हैं। तो वहीं उसी रोड से जस्ट आपकी 200 मीटर की भी नहीं, उसके पास ही आपकी प्रॉपर्टी है। सुना होगा आपने कि शोभा भी आ रहा था सेक्टर 80 में, उसके जस्ट अपोजिट रोड पे ये आपका प्रोजेक्ट पड़ता है। अगर हम एमथियम गोल्फ हिल्स के आसपास के प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आपके गोदरेज के 3 प्रोजेक्ट आते हैं। एक अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था 3 महीने पहले, उससे पहले अराया और गोदरेज 101 था। उसके अलावा यहाँ पे बेस्टेक की प्रोजेक्ट है, एमथियम का ऑलरेडी अंतालिया है, सुपरटेक के भी यहाँ पे प्रोजेक्ट है। शोभा अभी अपना अरण्य लेके आया था सेक्टर 80 में, जस्ट रोड को क्रॉस करते ही है। कॉन्शियंट का एक नया प्रोजेक्ट आया था, उसका भी रेरा आ गया है। गोल्फ हिल्स की बात करें तो इसका भी रेरा आ चुका है, 2 फेसेस इनके लॉन्च हो चुके हैं। तीसरा और चौथा फेस मैंने पहले भी बताया है कि दिसंबर के आसपास लॉन्च होंगे, तो अभी फेस 1 और फेस 2 का यहाँ पे रेरा आ चुका है। प्रोजेक्ट की अब और डिटेल में बात करें उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और प्रोजेक्ट्स की आने वाले गुड़गांव में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और जो आ चुके हैं रेडी टू मूव उनकी सबकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। अब प्रोजेक्ट की डिटेल में बात करते हैं। प्रोजेक्ट में आपको 3, 3.5, 4, 4.5 BHK मिलता है, प्लस पेंट हाउस के साइजेस बहुत बड़े हैं, 5200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 7500 स्क्वायर फीट तक जाते हैं। हम 3 BHK की बात करें तो 3 BHK का साइज यहाँ पे 1668 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर और आपका 2500 से 2600 स्क्वायर फीट तक जाता है। उसके बाद 4.5 BHK आता है जिसका साइज आपका 2700 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होकर 3200 स्क्वायर फीट तक जाता है। ये डिपेंड करता है आपके बजट के अकॉर्डिंग, आप साइज छोटा भी ले सकते हैं बड़ा भी ले सकते हैं। प्रोजेक्ट की और डिटेल में बात करें तो 90% ग्रीन एरिया रहने वाला है, 9 होल का इसमें गोल्फ कोर्स है, आपका लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट का इसमें आपको क्लब हाउस मिलेगा। अब प्राइसिंग की बात करें तो कंपनी का प्राइस है 15,750 रुपए। उसमें कंपनी आपको बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हैं। तो अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूं तो अभी यहाँ पे 20, 20 और 60 का पेमेंट प्लान चल रहा है। 20% आपको विद इन 60 डेज देना है, 20% एक साल के बाद देना है, बाकी जो पेमेंट बचता है आपको उसी और आपको पोजीशन पे देना है। तो एक तरीके से PLP प्लान हो गया है। तो अभी कुछ टाइम पहले इनका एक प्लान और चल रहा था, अब की बार 400 पार, वो भी अभी आपको मिल सकता है। अगर आपको जरूरत होगी तो भी हम कंपनी के एंड से रिक्वेस्ट बेस पे हमें परमिशन मिल जाएगी। दूसरी बात करूं, कंपनी इसमें अभी आपको भी बहुत सारे बेनिफिट दे रहे हैं। जैसे अब की बार 400 पार में 2000 रुपए का आपको बेनिफिट दे रही थी, यहाँ पे भी कंपनी आपको 2000 तो नहीं पर हाँ इसके आसपास अभी भी आपको और बेनिफिट मिल रहा है। तो ये कुछ इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग थी। इसके अलावा भी इस प्रोजेक्ट में आपको हमारे एंड से और बहुत अच्छे बेनिफिट्स जो हमारे पास कंपनी हमें डिस्काउंट देती है या हमें ब्रोकरेज देती है उसमें से हम आपको एक अच्छा पास बैक करेंगे जो कि आपका ऑन फॉर्म ही रहेगा। सो ये था कंपनी
के कुछ पेमेंट प्लान्स और कंपनी की प्राइसिंग। इसके अलावा और बेनिफिट्स के लिए हमारी तरफ से जो कंपनी हमें देती है एज ए चैनल पार्टनर, वो हम आपको पास बैक देंगे। और डिटेल के लिए हमारा नंबर आपको स्क्रीन पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मिलेगा, वहां पे आप हमें पिन कर सकते हैं, आपका मैसेज हमारे पास पहुंच जाएगा, हम आपको अपने एंड से कॉल करेंगे। हमने प्राइसिंग की बात की है, डिस्काउंट की बात की है, एप्रिसिएशन। अगर मैं एप्रिसिएशन की बात करूं तो सेक्टर 79 में पहला ही सेक्टर के फर्स्ट में ही आपका ये सबसे पहले एंथेरियम गोल्डफील्ड्स पड़ता है। उस पूरे एरिया में गोल्डफील्ड्स की ये पहली प्रॉपर्टी जहां पे आपको गोल्ड सेंट्रिक प्रॉपर्टी मिलने वाली है। सेकंड, अगर देखोगे तो इससे पहले इसी लोकेशन से थोड़ा हम आगे आएंगे तो डीएलएफ ने अपने दो प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, डीएलएफ परिवाना साउथ और परिवाना वेस्ट। उनकी प्राइसिंग 20,000 से नीचे नहीं है, 20,000 पर स्क्वायर फीट है। उसके अलावा भी डीएलएफ ने सेक्टर 79 में दो रेरा अप्लाई किए हुए हैं। जब भी डीएलएफ अगले 3 से 4 या 6 से 8 महीने में प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, कोई भी 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से नीचे लॉन्च नहीं करेगा। ये मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप ये देखो कि ऑलरेडी जो वहां पे प्रोजेक्ट आ रहा है और जो आने वाला है उसमें क्या डिफरेंशिएट रहेगा। जहां भी डीएलएफ जाता है ना, अपना इकोसिस्टम क्रिएट करता है, और एंथेरियम भी आज के टाइम में डीएलएफ की तरह है, जहां भी अपना प्रोजेक्ट लेके आता है वहां के रोड लाइटिंग वगैरह सबको एक तरीके से अपना इकोसिस्टम क्रिएट करता है। मैं बात करूं 5 से 6 महीने में 3 से 4 हजार रुपए का बेनिफिट कहीं नहीं जाना है इस प्रोजेक्ट में, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे प्रोजेक्ट की क्वालिटी हो, चाहे गोल्फ सेंट्रिक हो, जहां पे भी जो भी प्रोजेक्ट में गोल्फ कोर्स आता है वो एक तरीके से आपका एड्रेस बन जाता है। गुड़गांव में देखा होगा डीएलएफ कैमलियाज आज एक एड्रेस है, डीएलएफ मैंगोलियाज एक एड्रेस है, डीएलएफ अरालियाज एक एड्रेस है। सेम गोल्फ स्टेट एंथेरियम का ही आज के टाइम में एक एड्रेस है। सेम सेक्टर 79 में गोल्फ से एक एड्रेस होने वाला है, डीएलएफ आएगा बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले एक एड्रेस वहां का बन चुका होगा। ये थी कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स। नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स, गुड़गांव में आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट की डिटेल जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नए प्रोजेक्ट नई डिटेल के साथ। टिल देन गुड बाय।